तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के बारे में, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन को निकाल के देखेंगे तो कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन यदि लगा ले रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है स्टूडेंट कि उन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीट सिलेबस को पढ़ लिया है। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है बच्चे, इंटीग्रेशन के कंप्लीट सिलेबस को जानना आपको जरूरी है। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जहां से आपके 15 से 20 नंबर के प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं और उन चीजों को आपको फोकस करना है, किन चीजों को फोकस नहीं करना है, इसको जानने के लिए सबसे पहली बात आपको अपडेटेड सिलेबस के बारे में जानकारी बच्चे होना बहुत जरूरी है कि वाकई में सिलेबस इस बार का क्या होने वाला है और किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, खंडशः समाकलन, एक समाकलन गणित प्रथम में क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आप देखिए इसमें टोटल बच्चे आप लोग को कुल मिला के 6 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें एक समाकलन है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, इसको बच्चे आप स्टार्ट टॉपिक के नोट पे तौर पे नोट कर लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण समाकलन को भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का बच्चे ये जो है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं, जैसे कि एक बच्चा होता है न्यूटन राफसन विधि के द्वारा आप इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं, गॉस विलोपन विधि के द्वारा आप इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं, रेगुला फॉल्सी विधि के द्वारा आप इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं। तो ये तीनों चीजें पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन से अकेले यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपका मैथमेटिक्स ही बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथमेटिक्स के अलावा और भी सारे सब्जेक्ट हैं आपके ट्रेड के सब्जेक्ट जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण है और वो कहीं भी आप लोग को यूट्यूब चैनल पे चलने वाले नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे हर हर ब्रांच के होते हैं। तो इसलिए जो है आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी क्लासेस ऑलरेडी आपकी 1 अप्रैल से शुरू कर दी जा चुकी है। 1 अप्रैल कहने का मतलब ये है बच्चे कि आप लोग जो है यहाँ से 1 अप्रैल को इंट्रोडक्शन क्लास हुई और आज से जो है आपकी क्लास कंप्लीटली स्टार्ट हो चुकी है। 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल करके बच्चे आप लोग सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट कोर्स के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कोर्स मतलब कि आप लोगों के ट्रेड रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं वो, इसी के साथ ही साथ आपका मैथ फिजिक्स जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है वो, मतलब कि सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको और पूरे सेकंड सेमेस्टर के लिए वैलिड रहेंगी, जिस तरीके से आप फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ा करते थे, ठीक। अब बात आती है बच्चे इंटीग्रेशन सेकंड के, इंटीग्रेशन सेकंड में, कि इंटीग्रेशन सेकंड में बच्चों आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो इंटीग्रेशन सेकंड की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ आर्क और समाकलन द्वारा क्षेत्रफल में, ये वाला जो पोर्शन है बच्चे आपका एरिया बाय इंटीग्रेशन, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि या तो आपका अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन करता है बच्चे, तो आप लोग उससे न्यूटन राफसन विधि, गॉस विलोपन विधि, रेगुला फॉल्सी विधि वगैरह पूछता है। लेकिन अगर आप लोग का बिल्कुल मिनिमम आप लोग का लेवल का पेपर करता है तो आप लोग का एरिया वगैरह के क्वेश्चन और निश्चित समाकलन के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि क्या आपके सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने सारे चैप्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या सर सबको इसमें से कवर करना है? बिल्कुल नहीं करना है बच्चे, पहले था सिलेबस में परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, इस चीज को बच्चे आप लोगों को कवर नहीं करना है। कॉनिक सेक्शन के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चे सर्किल को ही कवर करना है, इससे ज्यादा आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति में बच्चे पढ़ना नहीं है, मात्र व मात्र आपको सर्किल पढ़ना है, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अब बात आती है बच्चे आपके खंड चार की, खंड चार में सर आपको क्या पढ़ना है? खंड चार में बच्चे आप यहाँ से देख रहे हैं त्रिविम निर्देशांक की ज्यामिति के बारे में, ठीक है, मतलब कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो त्रिविम निर्देशांक की ज्यामिति है बच्चे, इसमें जो है आप लोग का 4 टॉपिक आप देख पा रहे होंगे। पहला तो देख पा रहे होंगे बच्चे द पॉइंट इन स्पेस, मतलब कि अंतरिक्ष में बिंदु का ज्ञात करना, इसमें जो बच्चे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन दोनों के बेसिस पे तो ऑलरेडी आपने 10वीं 12वीं में सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन आपने 3 डायमेंशन का नहीं पढ़ा होगा, इसलिए द पॉइंट इन स्पेस में जो आपका अंतरिक्ष में बिंदु का जो आपका 3 डायमेंशन वाला बच्चे जो सेक्शन है उसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, और वहां पे जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की क्लासेस चैनल पे चलाई जाएंगी, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस के लिए आपको जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। प्लेन आपका इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ से, स्ट्रेट लाइन का जो हार्ड वाला लेवल होता है वो आपका पूछा जाता है। अब स्ट्रेट लाइन के हार्ड वाले लेवल के अलावा आपका गोला, अब मैं स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा लेवल यहाँ पे बढ़ाया गया है बच्चे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा।
नॉर्मल यदि आप स्ट्रीट लाइट देखेंगे या फिर किसी अन्य स्टेट पॉलिटेक्निक का यदि बुक आप उठा करके देखेंगे जिसमें स्ट्रीट लाइट आपका पढ़ाया गया है, तो आप देखेंगे कि ये नॉर्मली हाई स्कूल या 10th लेवल का ही आपका मैक्सिमम उसमें स्ट्रीट लाइट दे रखा है। लेकिन अगर आप बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक की स्ट्रीट लाइट उठाएंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ा दिया है, बिल्कुल 10th वाला तो बिल्कुल कोई भी आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट के कॉन्सेप्ट को आपको बढ़ा के पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग का परीक्षा प्रश्न पत्र आ जाता है, उसके बाद जो है आपकी इतने में तैयारी कंप्लीट होगी। तो मैं जो तीन बच्चे आप लोगों को बताया हूँ टॉपिक, जिसमें से एक है बच्चे आपका रेगुलर फालसी विधि से आप जो हल करते हैं, उसके अलावा आप लोगों से कभी कभी पूछा जाता है बच्चे गॉस विलोपन विधि से, तो गॉस विलोपन विधि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सारी चीजें हैं बच्चे जो 5-5 नंबर में आपसे मैथमेटिक्स में पूछी जाती हैं। तो इतनी सारी चीजों को आपको 100% तैयारी करना है, पढ़ना है। क्रैश कोर्स में बच्चे अगर ज्वाइन होते हैं तो सीधे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बच्चे, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, सारे ब्रांच के ऑल सब्जेक्ट आपके बच्चे चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, और अलग अलग टीचर्स के द्वारा चल रहे हैं, तो इसलिए जो है ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चे आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं।